हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द साइज ऑफ कार्बन नाइट्रोजन फास्फोरस सेल। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स गेट अंडरस्टैंड द की कॉन्सेप्ट, दैट इज सिंपली द एटॉमिक साइज या एटॉमिक रेडियस। तो एटॉमिक साइज की हमें बात करनी है, दैट इज सिंपली न्यूक्लियस से लेके लास्ट सेल तक का डिफरेंस क्या है। तो यहां पे अगर हम इनको लिखना चाहें तो कार्बन नाइट्रोजन फॉस्फोरस सल्फर, ये हमारे सेकंड पीरियड में है दोनों, ये हमारे थर्ड पीरियड में। यहां पे हमारा जो ग्रुप है वो 14th ग्रुप आ जाएगा, ये 15th ग्रुप आ जाएगा, ये 16th ग्रुप आ जाएगा। तो अब हमें इन्हें सिंपली साइज में लगाना है। तो क्लियरली एक बात पता लग रही है, इन दोनों के पास थर्ड शेल होगा और इनके पास सिर्फ और सिर्फ सेकेंड शेल होगा। दैट मीन्स वी कैन क्लियरली से जो फॉस्फोरस और सल्फर है इन दोनों का साइज ज्यादा ही होगा एज कम्पेयर टू कार्बन नाइट्रोजन। तो फॉस्फोरस सल्फर दोनों पहले होंगे। अब ये देखना है इन दोनों में किसका ज्यादा होगा और इन दोनों में किसका ज्यादा होगा। तो अब सबसे पहले क्या है हमारे पास, साइज हमने देख लिया, डाउन द ग्रुप जाते हुए साइज इंक्रीज होता है बिकॉज नंबर ऑफ सेल इंक्रीज हो रहा है। अब बात करनी है अक्रॉस अ पीरियड। तो जैसे ही हम अक्रॉस अ पीरियड जाते हैं तो अक्रॉस अ पीरियड जो है हमारे पास जो है न्यूक्लियस पर नंबर ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ जाते हैं। नंबर ऑफ प्रोटोन बढ़ रहे मतलब न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, दैट मीन्स हमारा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो इंक्रीज हो रहा है। अगर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है तो हमारा जो साइज है दैट इज डिक्रीज। तो यहां पे हमारा जो साइज है वो डिक्रीज होता है कैसे, अक्रॉस अ पीरियड। दैट मीन्स फॉस्फोरस पहले या सल्फर, सर फॉस्फोरस पहले, तो दैट मीन्स फॉस्फोरस का जो साइज है वो ज्यादा हो जाएगा एज कम्पेयर टू सल्फर। सिमिलरली नाइट्रोजन और कार्बन में बात करें तो जो कार्बन का साइज है हमारे पास वो ज्यादा हो जाएगा एज कम्पेयर टू नाइट्रोजन, और ये हमारा ऑर्डर हो गया तैयार। तो अक्रॉस अ पीरियड साइज डिक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीजेस बिकॉज नंबर ऑफ सेल इंक्रीज हो रहा है। यहाँ पे रीजन क्या है हमारे पास, यहाँ पे हमारा जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है दैट इज जेड इफेक्टिव, जिसको जेड स्टार से लिखते हैं, वो इंक्रीज हो। तो फॉस्फोरस सल्फर कार्बन नाइट्रोजन, फॉस्फोरस सल्फर कार्बन नाइट्रोजन, ये हमारा ऑर्डर हो जाएगा एंड दिस इज गोइंग टू बी द आंसर। सो फाइनल आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। होप यू अंडरस्टूड दिस वेल, बेस्ट ऑफ लक।